नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व बंगला गद्य साहित्य। बंगला गद्य साहित्य के विकास में इनका कितना योगदान है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो बंगला गद्य साहित्य के विकास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का विशेष योगदान माना जाता है। इनका जन्म 26 जून को और कब हुआ, 1838 ईस्वी में बंगाल के कांटा लपाड़ा में, जो स्थान है वो कौन सा स्थान था, बंगाल में ही कांटा लपाड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। शिक्षा की अगर बात करें तो 5 वर्ष की अवस्था से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करनी प्रारंभ की। उनकी व्यवस्थित शिक्षा 1846 ईस्वी में मेदिनीपुर में हुई। वो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, लेकिन उनका मन स्कूल में नहीं लगता था। वे बचपन में कुसंग में या बुरी संगति में पड़ गए थे, परंतु उनकी बीमारी ने उन्हें अधिक खेलने कूदने का अवसर नहीं दिया। परिणाम स्वरूप ज़्यादातर जो समय था वो कहाँ पर, अपने अध्ययन में ही, विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करने लगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, परंतु उनके अपने पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण थे। फिर भी उन्होंने जीवन भर पिता का अत्यधिक सम्मान किया और पिता की ही आज्ञा के कारण जो वो वकालत करना चाहते थे उस भाव को त्याग दिया, अपनी इच्छा का त्याग कर दिया और पिता की आज्ञा से प्रशासनिक सेवा में सरकारी पद उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार वे डिप्टी मैजिस्ट्रेट बन गए। इस नौकरी में उन्होंने 32 वर्ष समर्पित किए। अब अगर बात करें लेखन के क्षेत्र में इनका योगदान, तो बंकिम चंद्र ने सबसे पहले काव्य विधा में अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ पर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने अंग्रेजी के उपन्यास की ओर उनका रुझान था, इसीलिए उन्होंने मोहन्स वाइफ नामक अंग्रेजी उपन्यास की रचना की, परंतु उन्हें यहाँ भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। अब तक वे अपने लक्ष्य का निर्धारण कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने काव्य विधा में अपना हाथ आजमाया, फिर उन्होंने उपन्यास भी लिखा और उनका एक नया मार्ग वो उन्होंने अपना ढूंढ लिया था। जीवन को नए मार्ग पर वो ले आए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगला उपन्यास विधा में अपना हाथ आजमाया। विधा में उन्होंने 1865 ईस्वी में अपने बंगला कृति दुर्गेश नंदिनी को प्रकाशित करवाया। ये एक मूलतः उपन्यास था, यानी उपन्यासिक कृति थी ये। इसके प्रकाशन ने लोगों को चकित कर दिया। अभी तक बंगला साहित्य में ऐसा पुलककारी रोमांस, जटिल प्रेम चेष्टाएं, चरित्र चित्रण की पटुता का निर्वाण नहीं हुआ था। उनके इस उपन्यास ने बंगला गद्य साहित्य के लिए एक आदर्श भाषा का मार्ग प्रशस्त किया। यानी जो दुर्गेश नंदिनी है, इसी उपन्यास ने उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। और इस उपन्यास में उन्होंने, चाहे वो रोमांस का भाव है या प्रेम की चेष्टाएं हैं या जो चरित्र चित्रण बड़े ही चतुराई से उन्होंने इसमें शामिल किए हैं, उनके कारण बंगला गद्य साहित्य को भी एक नई दिशा इस उपन्यास के माध्यम से मिली। उनके उपन्यासों में कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर, राहसी, आनंद मठ, विश्ववृक्ष, इंदिरा, युगला गुरीय, रजनी, राधा रानी आदि प्रमुख उपन्यासों का नाम लिया जा सकता है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यासों में समसामयिक समस्याओं को, ये इसके जैसे हम विशेषताएं निकालते हैं तो आप यहाँ पॉइंट्स, इसको पॉइंट भी बना सकते हैं, समसामयिक समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से उठाया है। यद्यपि उन पर ऐतिहासिक उपन्यासकार होने का आरोप लगाया जाता है, यानी विद्वान ये कहते हैं कि उन्होंने जो भी लिखा इतिहास को आधार बनाकर लिखा, परंतु ऐसा नहीं है। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि केवल राज सिंह ही उनका ऐसा उपन्यास है जिसको हम ऐतिहासिक उपन्यास मान सकते हैं। अन्य जो उनके उपन्यास है उसमें से एक दो उपन्यास ऐतिहासिक पात्रों को लेने से वे ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनके जो पात्र हैं वो ऐतिहासिक है, जबकि कथा वस्तु ऐतिहासिक नहीं है। बंकिम चंद्र ने रोमांस के द्वारा मानव रूप को प्रकट किया है। उनके ज़्यादातर जो ऐतिहासिक उपन्यासों में मुस्लिम काल की बर्बर घटनाओं का अगर देखें तो समावेश किया गया है। लेखक ने प्राधीनता को असहनीय माना है, अतः उनकी पूरी सहानुभूति पद दलित और पराजितों की ओर है। तो देखिए, यहाँ पर केवल इतनी लाइनों को आधार बनाकर आप इनके उपन्यासिक साहित्य की जो मूल विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे समसामयिक समस्याओं का चित्रण उपन्यासों के माध्यम से किया है, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है, ऐतिहासिक पात्रों को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया है, या मुस्लिमकालीन बर्बर घटनाओं का समावेश किया है। जो पराधीन यानी गुलाम भारत है उसको
चित्रित तो किया ही है, इसके साथ साथ जो लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं उसको भी उन्होंने अपने साहित्य का आधार बनाया है। निम्न वर्ग के प्रति या जो पद दलित हैं या जो पराजित हैं उनके प्रति भी उनकी सहानुभूति के जो भाव हैं इनके उपन्यास साहित्य में देखे जा सकते हैं। इनके उपन्यासों में सामान्य और असाधारण प्रकार के पात्रों की योजना है, जैसे कपाल कुंडला इनका उपन्यास है, कपालिक है, ये असाधारण पात्र इसमें कपाल कुंडला और कपालिक पात्र क्या है, असाधारण पात्र कहे जा सकते हैं। आनंद मठ के सत्यानंद, देवी चौधराई इनके भवानी पाठक भी असाधारण पाठक हैं, असाधारण क्या है, पात्र हैं, और वे एक विराट आदर्श को लेकर चलते हैं। यद्यपि इन दोनों पात्रों में जो देशभक्ति, राजनीतिक दृष्टि और संगठन शक्ति दिखाई पड़ती है वो भले ही किसी प्राचीन युग का चित्र प्रस्तुत करती हो परंतु वास्तव में लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो इनके उपन्यास के जो पात्र हैं, चाहे यह कपाल कुंडला है, चाहे कपालिक है, या सत्यानंद है, या भवानी पाठक है, ये भवानी पाठक क्या है, देवी चौधराइन का ये प्रमुख पात्र है ये, तो इनके माध्यम से उन्होंने वर्तमान संदर्भ की जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे देशभक्ति का भाव है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण दूरदृष्टि है, उन सबका संपूर्ण रूप से चित्रण प्रस्तुत किया है। अगर हम इनको निबंधकार के रूप में जाने तो निबंधकार के रूप में बंकिम चंद्र ने कुछ साहित्यिक निबंधों की भी रचना की है, जिसमें उत्तरचरित की मीमांसा, विद्यापति व जयदेव के काव्य का विश्लेषण किया और बंगला गीति काव्य के विकास का इतिहास इन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके निबंधों में धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों पर गंभीर चिंतन और मनन किया गया है। इसके बाद अगर देखें तो बंगला भाषा के प्रचार प्रसार के लिए न केवल सार्थक प्रयास किया बल्कि जो भद्र लोग थे, भद्र यानी पढ़े लिखे जो वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का भी इन्होंने भरपूर विरोध किया है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारी थे तो उन्हें सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ता था। तो उन्होंने स्थान स्थान पर बंगालियों को उनके अंग्रेजी प्रेम के लिए धिक्कारा है। बाबू कौन है, जो सरकारी अफसर है, उसकी परिभाषा ये अपने शब्दों में देते हैं कि जो वाक में अजय, परभाषा पारदर्शी, मातृभाषा विरोधी हैं वे बाबू ही हैं। महाराज, ऐसे अनेक महाबुद्धि संपन्न बाबू जन्मेंगे जो मातृभाषा में वार्तालाप करने में असमर्थ होंगे। तो ये किसके लिए कहा है, हिंदी भाषा के प्रति जो सरकारी दफ्तरों में अनदेखापन है उसको उन्होंने आधार बनाया है, और इसके साथ अंग्रेजी भाषा के प्रति जो प्रेम का भाव है उसको यहाँ पर आधार बनाया है। इसी प्रकार इनकी रचना है अंग्रेज स्रोत, इसमें भी अंग्रेजी भाषा के पक्षधरों पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बंकिम चंद्र ने रोमांटिक उपन्यासों की रचना करके बंगला गद्य साहित्य के लिए एक सुमार्ग प्रशस्त किया है, यानी एक नया मार्ग, एक सुंदर मार्ग उन्होंने ढूंढ निकाला है। उपन्यास उस समय एक लोकप्रिय विधा थी। बंकिम चंद्र ने उपन्यासों में सरल, सहज और तालयुक्त बंगला भाषा का प्रयोग किया है, इसी कारण समकालीन व प्रवर्ती बंगला गद्यकारों के लिए एक आसान सा मार्ग खुल गया है। निश्चय ही बंगला गद्य के विकास में बंकिम चंद्र का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन कौन से साहित्य की रचना की, उनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, खासकर बंगला भाषा के विकास में क्या योगदान है, इस बात को केंद्र में रखकर हमें ये प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।